रीडिंग कॉर्नर भी अगर आपके क्लास में लाइब्रेरी नहीं है या लाइब्रेरी का इस्तेमाल कम हो रहा है तो आप क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं। 10-15 किताबें आप वहाँ पे टांग दीजिए और उनका नियमित इस्तेमाल होता रहे, हर हफ्ते उन बुक्स को चेंज होती रहे, तो बच्चे भी नई नई किताबों से परिचित होते रहेंगे, उन कहानियों को। वो भले कक्षा एक के ही बच्चे हैं, हम देखते हैं कि 3 से जो ऊपर क्लास हैं 3, 4, 5 के बच्चे ही उन किताबों का, लाइब्रेरी की किताबों का प्रयोग करते हैं। क्लास 1-2 के लिए तो दी ही नहीं जाती है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप जो चित्रों वाले हैं जिसमें कंटेंट कम लिखे हैं, चित्र अधिक हैं, उनका प्रयोग करिए। जो बिग बुक रखी गई है ये इसी उद्देश्य से रखी गई है कि चित्रों से उनका जुड़ाव हो। बच्चे जब भी पढ़ना शुरू करते हैं चित्रों के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो समस्या यहाँ पे निकल के आई कि सर ने बताया कि बच्चे अंक नहीं पहचान पाते हैं, 11 उनसे कहा जाता है कि चलो अच्छा आप 11 ढूंढ के बताओ, 36 कहाँ लिखा है 36 ढूंढ के बताओ। ये भी समस्या जो है बहुत ही सोचने वाली बात है कि वो बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं। लिखने के लिए दे दिया जाए तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख लेंगे, देख के लिख लेंगे, पढ़ने के लिए तो एक क्रम से पढ़ लेंगे, लेकिन बीच के वाक्य बीच के जो है अंक नहीं पहचान पाते, तो ये भी समस्या है। तो इस तरह की चीज़ें हम तभी जब एड्रेस कर रहे हैं उनको तभी हम चीज़ें उस पर हम काम भी कर पाएंगे। आपकी जो निपुण तालिका दी हुई है उसको भी कहीं कहीं देखा है कि मेंटेन नहीं हो रही है, तो वो भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि कौन सा बच्चा किस स्तर पर अभी पहुंच पाया है उसको हम एड्रेस कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम भी कर पाएँ ताकि उसकी ग्रोथ, इसलिए वो निपुण तालिका भी बनाई गई है। तो हालांकि मूल्यांकन जब आप करोगे तो थोड़ा सा समय लगता है उसको करने में, लेकिन जब आप करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तब उस हिसाब से आप उसके हिसाब से कंटेंट भी लेकर के जाओगे, उसके साथ सरकार भी उसी तरीके का करोगे, उसी तरीके के टीरंस भी आप यूज़ करोगे, तो बच्चे का जाहिर सी बात है लर्निंग अच्छा होगा, है ना, और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। सुबह की सभा जो होती है, जो मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें भी जरूरी है कि नियमित अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अलग अलग जो चीज़ें बातचीत उन्होंने मैम ने बताई कि अलग अलग तरीके से जो है, जैसे अखबार वाचन है, कविता वाचन, कविता करना है, और कहानी है, खेल कूद है, है ना, पहेलियाँ हैं, इस तरह की नई नई चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। एक खेल सर ने बताया जो वर्ण पहचान के लिए है ना, जो अभी बताया कि ए की पहचान करानी, बी की पहचान करानी है अल्फाबेट की, तो उसमें भी ए वाले जो है एक साथ हो जाए, तो ये गतिविधि भी हम मॉर्निंग असेंबली में कर सकते हैं। अभी मैम ने जो है ये अंगों की पहचान के लिए जो करवाया, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है मॉर्निंग असेंबली में, अंगों की पहचान भी हो रही है और बच्चे जो जो है उनका चिंतन भी बढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो बस इतना ही है मैं कहना चाह रहा था। तो थोड़ा सा जो है अपना जो शिक्षा संदर्शिका है, केलम्स का यूज़ है, और जो पोस्टर मिले हुए हैं उनको क्लासरूम में जरूर बच्चों की पहुंच में लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो है वो फट जाते हैं या दीवार सीलन की वजह से ख़राब हो जा रहे हैं, तो आप उनको ऐसा करिए, पार्ले जी वाले जो गत्ते आते हैं उनके पीछे चिपका दीजिए, चारों तरफ से टेप से कवर कर दीजिए और उसको टांगने वाला बना दीजिए। अब वो सुरक्षित हो जाएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे टांगने वाला देखिए कितने सारे बने हुए हैं, इसी तरीके का आप बना लीजिए और उनका इस्तेमाल करिए शिक्षण काल में। अगर वो जरूरत लगता है कि क्लास 1 में टंगा हुआ है और क्लास 2 के लिए ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, तो हम आसानी से उसको लेकर के दूसरे क्लास में भी ले जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।